नमस्कार दृष्टि आई के टुडे जे के प्रोग्राम में आपका स्वागत है तो चलिए कल के रिकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कल पहले सवाल के तौर पर आपसे हमने पूछा था हाल ही में किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया उत्तर है वहीदा रहमान दूसरा सवाल अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है उत्तर है तेलंगाना तीसरा सवाल विश्व प्रसिद्ध एशिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है उत्तर है नई दिल्ली चौथा सवाल किस राज्य में सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए जनसेवक स्कीम लॉन्च की गई है उत्तर है कर्नाटक पांचवा सवाल प्रधानमंत्री ने अगले पाँच सालों के लिए रक्षा निर्यात कितना करने का लक्ष्य रखा है उत्तर है पाँच बिलियन डॉलर छठा सवाल सरकार ने प्योरीफाइड टेरेप्थेलिक एसिड यानी पीटीए पर से एंटी डंपिंग ड्यूटी समाप्त कर दी है मुख्यतः इसका प्रयोग होता है टेक्सटाइल उद्योग में सातवां सवाल सुअरों को क्लासिकल स्वाइन फ्लू से बचाने के लिए किफायती टीका किस संस्थान या संस्थानों ने विकसित किया है उत्तर है आई भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आठवां सवाल सरकार ने मार्च अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों का विलय करने का लक्ष्य रखा है निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है उत्तर है एल आई सी सवाल किस देश में सहयोगी रोबोट्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हब खोला गया है उत्तर है डेनमार्क और कल के सेशन का अंतिम सवाल था सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किस भारोत्तोलक ने जीता उत्तर है राखी हलधर कल अभ्यास प्रश्न के तौर पर हमने आपसे पूछा था आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष की छठी द्विमासिक समीक्षा बैठक में रेपो रेट कितनी रखने का निर्णय लिया है चार दशमलव नौ शून्य फीसदी पाँच दशमलव सात पाँच फीसदी पाँच दशमलव एक पाँच फीसदी या फिर पाँच दशमलव चार शून्य फीसदी आप में से कई व्यूअर्स ने इसका सही जवाब दिया है तो बात कर लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या आर की कमेटी ने निर्णय लिए हैं आर ने चालू वित्त वर्ष की छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर को पाँच दशमलव एक पाँच फीसदी के स्तर पर बरकरार रखने का फैसला किया है यह फैसला आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिया गया केंद्रीय बैंक ने यह कदम घरेलू बाजार में मुद्रा स्फीति तेज होने और बजट में राजकोषीय घाटे का अनुमान बढ़ाए जाने के बीच यह कदम उठाया है इस समीक्षा बैठक के बाद आर की पॉलिसी दरें इस प्रकार है रेपो रेट पाँच फीसदी रिवर्स रेपो रेट चार दशमलव नौ शून्य फीसदी एम एस एफ आर पाँच दशमलव चार शून्य फीसदी और बैंक रेट पाँच दशमलव चार शून्य फीसदी तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पाँच दशमलव एक पाँच फीसदी आज के सेशन का पहला सवाल अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक दो हज़ार बीस में भारत कौन से स्थान पर है छत्तीसवें पचासवें तिरपनवें या फिर चालीसवें हाल ही में अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 जारी किया यह इंडेक्स का आठवां संस्करण है 2012 से इसे पब्लिश किया जा रहा है इस साल के इंडेक्स में तिरपन देशों को शामिल किया गया इंडेक्स में पंचानवे दशमलव दो आठ स्कोर के साथ अमेरिका को पहला स्थान मिला वहीं भारत को चालीसवां स्थान प्राप्त हुआ जबकि पिछले साल भारत को पचास देशों की सूची में छत्तीसवां स्थान मिला था तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी चालीसवां दूसरा सवाल जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का संचालन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत किया जाएगा दरअसल सरकार ने एक महत्वाकांक्षी जीन मैपिंग परियोजना को मंजूरी दी है और ऐसा कहा जा रहा है कि यह परियोजना अपने पैमाने और विविधता के कारण दुनिया में अपनी तरह की सबसे महत्वपूर्ण है और इससे अनुवांशिक अध्ययन में सहायता ली जाएगी खबर के मुताबिक दो करोड़ रुपए के जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में भारतीय विज्ञान संस्थान और कुछ आई सहित बीस प्रमुख संस्थान शामिल होंगे भारतीय विज्ञान संस्थान का सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च जो कि एक स्वायत्त संस्थान है वह परियोजना के नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय क्वेश्चन नंबर थ्री किस देश ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस बनाने की घोषणा की है संयुक्त राज्य अमेरिका भारत सऊदी अरब या फिर जर्मनी हाल ही में अमेरिका ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस के गठन की घोषणा की है इस अलायंस में ऑस्ट्रिया ब्राज़ील इसराइल यूक्रेन द नीदरलैंड्स, ग्रीस और यूके जैसे कुल सताइस देश शामिल होंगे इस अलायंस में वैश्विक स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता को संरक्षित और परिरक्षित करने के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास किया जाएगा यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने इस अलायंस के गठन की औपचारिक घोषणा की लॉन्च के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि पोलैंड इसके अगले मिनिस्ट्रियल टू एडवांस रिलीजियस फ्रीडम की मेजबानी करेगा इसका आयोजन 14 से 16 जुलाई 2020 से पोलैंड के वारसा शहर में होगा तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त तो राज्य अमेरिका बात करते हैं प्रश्न संख्या चार की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाँच ट्रिपल आईटी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का दर्जा देने को मंजूरी दी है निम्नलिखित में से कौन इनमें शामिल नहीं है ट्रिपल आई भोपाल ट्रिपल आई टी ट्रिपल आई अगरतला या फिर ट्रिपल आई भागलपुर अब देखिए ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस तरीके के सवाल कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं इसकी व्याख्या की बात करें तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने पाँच ट्रिपल आई को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का दर्जा देने को मंजूरी दी है ये ट्रिपल आई पीपीपी मॉडल पर संचालित की जा रही हैं पीपीपी मॉडल का मतलब क्या हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस फैसले के बाद ये संस्थाएं बीटेक, एमटेक और पीएचडी की डिग्री दे सकेंगी इसके लिए सरकार ने ट्रिपल आई लॉ अमेंडमेंट बिल दो को भी मंजूरी दी है इन ट्रिपल आई में शामिल हैं ट्रिपल आई सूरत ट्रिपल आई भोपाल ट्रिपल आई भागलपुर ट्रिपल आई अगरतला और ट्रिपल आई रायचूर तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ ऑप्शन बी ट्रिपल आई टी कुर्नूल अब यहाँ पर प्रश्न एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हैं इस तरीके से प्रश्नों को घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है इसलिए इस प्रश्न की व्याख्या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बात करते हैं प्रश्न संख्या पाँच की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच एयर इंडिया की कंपनी एलायंस एयर की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को मंजूरी दी है मालदीव श्रीलंका चीन या फिर सऊदी अरब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और श्रीलंका के बीच एयर इंडिया की कंपनी अलायंस एयर की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की मंजूरी दी है कैबिनेट ने भारत और श्रीलंका के बीच उड़ान संचालन करने के लिए एयर इंडिया की सहायक अलायंस एयर के लिए फाइव बाई ट्वेंटी नियम को समाप्त करते हुए एक पूर्व पोस्ट फैक्टो मंजूरी दे दी आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के फाइव बाई ट्वेंटी नियम के तहत एक एयरलाइन केवल तब अंतरराष्ट्रीय उड़ान का संचालन कर सकती है जब उसके पास पाँच साल का अनुभव और न्यूनतम बीस विमान हों श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण में स्थित है पूर्व में इसका नाम सिलोन था यहाँ मानचित्र पर आप श्रीलंका का नक्शा देख रहे हैं इसे पहले क्या कहा जाता था सिलोन इसकी राजधानी श्री जयवर्धन पूरा है जबकि वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो है यहाँ पर बहुत जरूरी है आपको जानना कि श्रीलंका की राजधानी कई लोग यह समझ लेते हैं कि कोलंबो है लेकिन इसकी राजधानी श्री जयवर्धनीपुरा है जबकि वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो है तो इस लिहाज से यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीलंका चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने फेक न्यूज़ और वीडियो से निपटने के लिए नई नीति लागू करने का फैसला किया है ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक कंटेंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए ट्विटर ने नई नीति की घोषणा की है ट्विटर अगले महीने से ऐसे कंटेंट मसलन वीडियोस और फोटोज को लेबल और हटाने का काम करेगा जिन्हें किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के जरिए एडिट किया गया है ट्विटर द्वारा यह नीति पाँच मार्च से लागू की जाएगी इस नीति के तहत ट्विटर तीन बातों की जाँच करेगा ए क्या इस वीडियो में छेड़छाड़ की गई है बी क्या किसी वीडियो को भ्रांति फैलाने के इरादे से शेयर किया गया है और सी क्या उस कंटेंट से लोक सुरक्षा को खतरा है अगर तीनों ही बातें सही हैं तो उस वीडियो या फोटो को ट्विटर प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ट्विटर क्वेश्चन नंबर सेवन हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस देश के बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड का अनावरण किया है चीन युगांडा भारत या फिर मालदीव ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने भारत के बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड का अनावरण किया है यह कोष ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है मशहूर अमेरिकी गायिका कैटी पेरी को ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के भारत से जुड़े चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड का नया दूत नियुक्त किया गया है यह फंड बाल यौन शोषण बाल श्रम बाल तस्करी को बंद करने और बाल सुलभ ग्राम मॉडल के माध्यम से स्कूल सुरक्षा जाल विकसित करने पर ध्यान देगा ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की स्थापना प्रिंस चार्ल्स और अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश एशियन बिजनेस लीडर्स द्वारा 2007 में चैरिटी संस्था के रूप में दक्षिण एशिया में गरीबी से लड़ने के लिए शुरू की गई थी तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत क्वेश्चन नंबर एट बाईसवें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है कोच्चि केरल चेन्नई तमिलनाडु मंगलौर कर्नाटक या फिर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश बाईसवें इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोच्चि में किया जा रहा है कोच्चि में यह सम्मेलन बारह साल बाद फिर से आयोजित हो रहा है शो के दौरान मपीडा यानी मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक कड़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के होते हुए भी भारत के समुद्री उत्पाद के निर्यात में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है समुद्री उत्पादों का निर्यात 2012-13 में लगभग 4 बिलियन डॉलर के मुकाबले 2018-19 में बढ़कर 6.7 बिलियन डॉलर का हो गया है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मपेडा की माने तो भारत के कुल समुद्री उत्पादन में चौवालीस फीसदी हिस्सेदारी अकेले फ्रोजन सिर्म यानी झींगे की है आपको बता दें कि अमेरिका को झींगा निर्यात करने के मामले में भारत सबसे बड़ा निर्यातक है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण मछली उत्पादन और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए सरकार की नोडल एजेंसी है इसकी स्थापना उन्नीस में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी यह भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन करता है इसका मुख्यालय केरल के कोच्चि में स्थित है तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कोच्चि केरल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ड्रोन के विकास के लिए किस देश की फर्म के साथ समझौता किया है जापान इजराइल चीन या फिर अमेरिका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ड्रोन के विकास के लिए एक इजरायली फर्म के साथ समझौता किया है यह समझौता डेफ एक्सपो टू के दौरान किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुताबिक इस समझौते का मकसद समुद्री और भूमि आधारित सैन्य अभियानों के लिए वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी वी टॉल यू के संयुक्त विकास की फिजिबिलिटी का आकलन करना है यह समझौता दरअसल वैश्विक स्तर पर की प्रौद्योगिकी विनिर्माण विपणन और रखरखाव के संदर्भ में हाल और एलबिट के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देगा तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी इसराइल आज के सेशन का अंतिम सवाल भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया ने देश के कितने शहरों में हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोलने की घोषणा की है सात पाँच आठ या फिर दस भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हॉकी इंडिया ने जूनियर और सब जूनियर खिलाड़ियों के लिए देश के सात शहरों में हाई परफॉर्मेंस केंद्र बनाने की घोषणा की है यह कदम ओलंपिक 2024 और 2028 के लिए देश की युवा खेल प्रतिभाओं को तैयार करने के मकसद से उठाया गया है यह सेंटर खेलो इंडिया स्कीम के तहत तैयार किए जाएंगे यह हाई परफॉर्मेंस सेंटर इन सात जगहों पर खोले जाएंगे साई केंद्र बेंगलुरु मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली साई सुंदरगढ़ ओडिशा साई यू डी एम सी सी भोपाल साई एन एस एन ई सी इम्फाल बालेवाड़ी खेल परिसर पुणे और साई केंद्र रांची भारत सरकार ने जनवरी उन्नीस में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना एक पंजीकृत सोसाइटी के तौर पर की थी शुरुआत में इसका मकसद उन्नीस में एशियन गेम्स दिल्ली के लिए खेल कूद की बुनियादी सुविधाओं के कारगर रखरखाव और उनके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना था वर्तमान में यह देश में खेलों की विस्तार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में विशेष उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की नोडल एजेंसी है तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सात चलिए अब देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न प्रश्न है रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किन देशों के साथ लखनऊ घोषणा पत्र स्वीकार किया है बाल्टिक देशों के साथ कैरेबियन देशों के साथ अफ्रीकी देशों के साथ या फिर खाड़ी देशों के साथ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें कल कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार